आर इन बैंकॉक और हम शॉपिंग के लिए आए और मुझे यहाँ एक लड़का मिला है। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। आर यू सिंगल? यस, ऑफ कोर्स। सो आर यू रेडी टू मिंगल विद मी? प्लीज। हाय, दिस इज ग्रीपर डोराडो और आज हम बात करने वाले हैं मनीषा रानी के बारे में। अगर आपने सीजन 2 OTT बिग बॉस का इस बार देखा होगा तो उसमें तीन लोग बहुत ज्यादा हाईलाइट हुए थे, मनीषा रानी, फुकरा इंसान और एल्विस यादव। एल्विस यादव खैर बिग बॉस तो जीत गए और यहाँ पे हम कोई और कौन हारा कौन जीतता इसके बारे में बात नहीं करने वाले हैं। हम सिर्फ बात करने वाले हैं मनीषा रानी के बारे में। मनीषा रानी हाल ही में बैंकॉक गई थी घूमने के इरादे से और इसी दौरान उन्होंने एक बीच पे विजिट करा जहाँ पे बहुत सारे लोग फॉरेनर वहाँ पे विजिट करते हैं और वहाँ पे उन्होंने उनके कपड़ों पे, उनके पहनावे पे बहुत सारी अब्यूसिंग लैंग्वेज से उन्होंने उसे कमेंट करा, बहुत सारी चीज़ें की और उन्हें विदाउट उनके किसी परमिशन के उन्हें टच किया, उन्हें हक किया और बहुत सारी चीज़ें बोली। आप वीडियो में जाके देख सकते हैं, उनके लेटेस्ट वीडियो में है। हम इसका तारीफ करने वाले हैं। अरे कितनी कमीनी छछुंदरी हरमजादी जो चड्डी पहन के घूम रही है, लाटने लग रहा है, मन तो कर रहा है इधर मार के मुलाल कर देने पड़े बेसर लोगों को, कुछ कह नहीं सकते। तो अब बहुत सारे लोग इसमें ये सोचते होंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, अगर किसी के बारे में बोलना तो कुछ गलत नहीं है, तुम सही हो, लेकिन तुम्हें ऐसे नहीं समझ में आएगा। मैं तुम्हें एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। अब समझ लो, तुम इमेजिन करो कि तुम किसी बीच पर गए हो अपने फैमिली, अपने गर्लफ्रेंड, अपने रिलेटिव के साथ और वहाँ पे कोई और फॉरेनर आए दूसरा, जो तुम्हारे बिना किसी परमिशन से तुमसे बिना परमिशन लिए तुम्हारी वीडियो बनाने लगे, तुम्हें टच करने लगे, तुम्हें हक करने लगे, तुम्हारे कपड़ों पे कमेंट करने लगे और तुमसे अब्यूसिव लैंग्वेज में बात करने लगे, तो तुम्हें कैसा लगेगा? तुम्हें अच्छा लगेगा क्या? तुम चाहोगे नहीं कि वो तुमसे एक बार पूछे कि तुम वो तुम्हें सूट कर सकता है, तुम्हारी वीडियो बना सकता है, तुमसे बातें कर सकता है, तुम्हें हक कर सकता है, तुम्हारे कपड़ों पे कमेंट कर सकता है कि नहीं कर सकता है? कंटेंट क्रिएटर हो, अगर ब्लॉग भी बना रहे हो तो आप अपने प्राइवेसी को पब्लिक कर रहे हो, वो जिम्मेदारी आपकी है, लेकिन आपकी उतनी ही जिम्मेदारी ये भी बनती है कि आप दूसरों की भी प्राइवेसी का ख्याल रखें ताकि आपके पास जो लोग हैं उनके बारे में आप कुछ ना करें। आप अपनी लाइफ को प्राइवेट से पब्लिक कर रहे हैं तो वो अच्छी बात है, लेकिन दूसरों की प्राइवेसी को वहाँ पे पब्लिक करने की कोई भी जरूरत नहीं है। वहाँ पे आप किसी से बिना परमिशन के उनके कपड़ों पे नहीं कमेंट कर सकते हैं, उनके बारे में वीडियो नहीं बना सकते हैं, कोई भी चीज़ उनसे बिना परमिशन से आप नहीं कर सकते हैं। और हाल ही में मनीषा रानी ने एक वीडियो भी पोस्ट किया अपने यूट्यूब चैनल पे जिसमें उन्होंने टाइटल और थंबनेल बनाया है हु इज़ माई हस्बैंड या फिर कोई सेलेक्ट कर रहा है और उसमें तीन लोगों का फोटो उन्होंने डाला है, टोनी कक्कर, फुकरा इंसान और एल्विस यादव। और अगर तुमने बिग बॉस को अच्छे से फॉलो किया रहेगा तो यहाँ पे फुकरा इंसान ने कई बार एकदम साफ साफ क्लियर वर्ड में बोला है कि मनीषा रानी एक फ्रेंड है अच्छी और उन्हें वो बहन की तरह मानते हैं, मतलब उनका जो रिलेशन है वो भाई बहन वाला है। तो यहाँ पे एक चीज ये जानना है कि क्या मनीषा रानी को भाई बहन का रिलेशन पता नहीं है कि वो कैसा होता है या फिर इसका उन्हें मतलब नहीं पता है, क्योंकि हमारे धर्म में भाई बहन का रिश्ता बहुत ही ज्यादा पवित्र होता है। अगर कोई मान ले वहां पे तो उसके बारे में कोई भी चीजें नहीं की जा सकती, लेकिन अगर मनीषा रानी को ये चीजें नहीं पता है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर ये सारी चीजें भाई बहन के रिश्ते के बारे में पता होते हुए भी सिर्फ व्यू पाने के YouTube पर ये सारी चीजें, ये सारी हरकतें की जा रही हैं तो बहुत ही ज्यादा शर्मनाक है, इस पर बहुत ही ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। बाकी तुम अपना व्यू कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।